हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केडी कैंपस का एसएससी प्री मॉक टेस्ट 153 का रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैथ सेक्शन को अपलोड कर दिया गया है, तो मैं इसमें एसएससी का जो मॉक टेस्ट 153 था उसमें रीजनिंग का मैं सेक्शन करूँगा। अगले सप्ताह से आपका दोनों सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक ही साथ अपलोड कर दिया जाएगा। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब स्टूडेंट्स को इसमें भी रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों को एक साथ अपलोड करूँगा, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो का। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो केवल मैं मैथ्स हमेशा से अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो इसमें था पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश लखनऊ और त्रिपुरा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी जो है लखनऊ है, मतलब कैपिटल लखनऊ है। तो त्रिपुरा का कहाँ होता है? तो त्रिपुरा का अगरतला। तो अगरतला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पहले तो इसका नंबर जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। डी का 4, ई का 5, डब्ल्यू का 23, वी का 22, जी का 7, एच का 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 के बाद 5 हो गया है, फिर 23 का बाद ये -1 हुआ है, यहाँ पे +1 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 का 1 हो +1 हो गया है, तो आगे जो भी यहाँ पे आएगा वो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यू के बाद वी है, मतलब यू कितना 21, तो 22 मतलब +1 हुआ है। यहाँ पे देखते हैं टी के बाद यू है, टी का 20 और यू का 21, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ए और बी भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। सी में देखते हैं आर के बाद एस, मतलब आर कितना 18 और एस 19, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है कौन? हमारा डी ऑप्शन सही। तो डी को चेक कर लेते हैं एक बार, टी का 20 और एस का 19, तो देखिए 20 में से -1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, और 1 का बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 9 में कितना, मतलब इसमें 9 और 17 में क्या रिलेशन है? 9 और 17 और 35 में क्या रिलेशन होगा जो यहाँ पे होगा? तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 9 में इस दोनों का सम करके जोड़ेंगे तो 17 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से 35 में किसका सम जोड़े कि वही नंबर आ जाए? तो 35 में देखिए 9 में 8 जोड़ते हैं तो 17 हो गया, तो 35 में भी 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 35 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा 43 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 7 + 1 +1 9, उसी तरह से 4 × 3 = 7 +1 5 × 3 = 9 5 × 3 = 8, ठीक है। 4 × 3 = 7 +1 करेंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह से 7 + 8 और 0 + 9 = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 43, ठीक है। आगे देखिए कृष्णा, यमुना, सांभर और माही। माही एक नदी है, ठीक है, यमुना भी एक नदी है और कृष्णा भी एक नदी है, ठीक है। और सांभर एक लेक होता है, ठीक है, साल्ट का लेक होता है, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा लेक है जो इंडिया में जहाँ पे ज़्यादा साल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया 4। 5 में देखिए ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू, तो देखिए ए ए मतलब ई है, आई है, ओ है, तो ए ई आई ओ यू में हमारा जे नहीं आता है, तो जे हमारा इसका कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल का दिया हुआ है, तो वोवेल ये ई भी है, आई भी है और ओ भी है, तो जे नहीं है, तो जे इसका डिफरेंट हो गया हमारा, तो इसको छांट दिए हम, ठीक है। इसका देखिए अल्टरनेट सम बराबर आएगा इसका, 5 × 6 = 5 = 11 और 8 × 3 = 11, ठीक है। 2 × 1 = 3 3 × 0 = 3, देखिए 5 × 3 = 8 और 3 × 1 = 4, तो यही एक प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 2 = 6 5 × 1 = 6, तो अल्टरनेट का सम इस तीनों का सही है, ए का, बी का और डी का अल्टरनेट का सम सेम आएगा, ठीक है, इसका एक डिफरेंट आएगा, तो इस यही हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अल्टरनेट का सम चेक करते हैं या अल्टरनेट का डिफरेंस चेक करते हैं या डिजिट का सम चेक कर लेते हैं, ठीक है, सम ठीक आएगा तो उस तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है।
इसमें है, इसमें डिक्शनरी में सजाना था, तो पहले पहले इसको देखते हैं तो ई के बाद, ई तो सब में कॉमन है, उसके बाद चेक करते हैं तो ए, ए तो इस दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में से कोई एक आएगा, तो ई के बाद ए, उसके बाद आर है तो आर है, फिर एन आ जा रहा है तो एन पहले दो वाला आ जाएगा, तो दो नंबर वाला एक नंबर पर आएगा, ठीक है, उसके बाद तीन नंबर वाला आएगा तो दो सर के नंबर पर तीन नंबर वाला आएगा, उसके बाद ई एम वाला में चेक करते हैं, ई एम सब में है, उसके बाद ई है, उसके बाद ई है, उसके बाद पी है, तो पी तो ये वाला पांच वाला तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो ये पांच सबसे लास्ट में, ठीक है। अब ई ए आर मतलब ई एम ई, ई एम ई उसका आर तो आर, उसका जी तो जी, जी के बाद ई, ई उसके बाद एन आ जा रहा है, तो ये एक नंबर वाला आ जाएगा फिर, तो एक दो तीसरे के नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये, तो देखते हैं कौन सा पहले होना चाहिए, दो तीन, दो तीन एक, दो तीन एक, यही एक ऑप्शन है दो तीन एक वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए इसमें सी डी ऐसा जब भी आता है तो हम डायरेक्ट इसका नंबरिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सी का तीन, डी का चार, ई का पाँच और जी का सात, फिर जी का सात, फिर जे का दस, फिर आई का नौ और एम का तेरह, तो देखिए तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, ठीक है, उसी तरह से चार तीन सात, तीन दस, तीन तेरह, ठीक है। तो आगे कौन सा आएगा, देखिए नौ वाला, नौ दो ग्यारह और तेरह तीन सोलह वाला, ठीक है। तो ग्यारह नंबर पर कौन आता है, के, और सोलह नंबर पर कौन आता है, पी, ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा मतलब डिजिट को मतलब ये अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करने में, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप उस वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं जल्दी जल्दी कि कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए इसमें क्या होता है कि या तो क्यूब का मतलब निकालते हैं या स्क्वायर का, मतलब क्यूब में कुछ सम करके होता है या क्यूब में वही जिसका क्यूब होता है उसी को सम कर देते हैं या स्क्वायर वाला पैटर्न होता है, तो इसमें देखिए क्यूब का पैटर्न है, दो 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 का क्यूब करके एक जोड़ देते हैं, दो दो चार दूनी आठ एक नौ, फिर तीन का क्यूब करते हैं एक जोड़ देते हैं, तीन तीन नौ तीन का सत्ताईस एक अट्ठाईस, चार चौका सोलह चौका चौंसठ एक पैंसठ, उसके बाद उसी तरह से चार के बाद पाँच पचास पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस एक सौ छब्बीस, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें चेक कीजिए इसको बनाने के लिए हम एक इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पर, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आपको प्रॉब्लम होता होगा इसमें, तो अगर नहीं प्रॉब्लम होता है तो एक बार मेरे साथ भी देख लीजिए कि सही बनाते हैं कि नहीं आप। भावना सेट टू अ बॉय, भावना भावना, ठीक है, और एक बॉय को मतलब एक लड़के को मान लेते हैं, एल से डिनोट कर देते हैं, लड़के को बोलती है द ब्रदर ऑफ योर मदर, तो ब्रदर ब्रदर ऑफ योर मदर लड़के से बोलती है, ठीक है, ब्रदर ऑफ योर मदर्स हस्बैंड इज माई फादर, या हम हिंदी वाले में चेक कर लेते हैं जल्दी से। भावना एक लड़के से कहती है तुम्हारी माता जी के पिता, तुम्हारे माता इसकी माता ऊपर, ठीक है, के पिता इसकी माता जी के, इसकी माता जी के पति, सॉरी पति, इसके माता जी के पति यहाँ पे आ जाएंगे प्लस में, ठीक है, इन दोनों का गठबंधन करा देते हैं मतलब शादी हो गई, ठीक है। इन तुम्हारी माता जी के पति का भाई, पति का भाई, तो भाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एरो से दिखाते हैं भाई भाई को, ठीक है, भाई मेरे पिताजी हैं, तो इसके पिताजी हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये दोनों सब एक रेंज में आ गए, ये दोनों एक, ये सब एक रेंज में, तो जो ऊपर में होता है वो भाई या मतलब साला या जीजा बनेगा, ठीक है, इसमें जो आएगा वो भतीजा भतीजी या मतलब इसमें जो आएगा वो चचेरा भाई चचेरा बहन ये सब होगी, ठीक है। तो इसमें चेक करना है वह हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू भावना, तो बॉय भावना से कैसे रिलेटेड है, बॉय मतलब इसका बहन लगेगी या भाई लगेगा एक दूसरे का, तो भतीजा है मतलब ये कजिन है, चचेरा भाई या चचेरा चचेरा भाई होगा, ठीक है। भावना लड़के का क्या लगेगा, तो चचेरा भाई, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कजिन मतलब चचेरा भाई या चचेरा बहन, ठीक है, चचेरा मेरा भाई, मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू बॉय, भावना का क्या लगेगा, तो चचेरा भाई लगेगा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। आगे है इसमें इसको बनाने का तरीका है कि देखिए
इन ए रो, एक रो में रितिका इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट इधर से होगा लेफ्ट, लेफ्ट से 14th नंबर पे है, तो कृतिका रितिका रितिका लिख दिए। उसके बाद इसके अगर 14th नंबर पे है तो इसके पहले कितना स्टूडेंट होगा, मतलब यह कितना लड़का लड़की होगा, 13, ठीक है 13, और 14वें नंबर पर यह होगी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसी में सुमित इज 17th फ्रॉम द राइट, इसी में क्या है कि 17th है, 17th नंबर पे है, तो इसका मतलब इसके पहले कितना 16 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ देयर आर 9 स्टूडेंट्स बिटवीन रितिका एंड सुमित, रितिका और सुमित के बीच में 9 स्टूडेंट, और पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, तो इस रो में कितने स्टूडेंट टोटल हैं। ठीक है, तो इसमें 13, 1, 14, 14, 9, 14, 9, 23, 23, 1, 24 और 16, 40, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने 40 हो गए, तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें देखिए ये रॉक नहीं बनाया जा सकता है, देखिए क्योंकि इसमें के कहीं नहीं मिलेगा, अन कॉपी राइट टेबल में आपको के नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हम इस दोनों में मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, और वही रिलेशन यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए ई के बाद जी हो जा रहा है, तो ई एफ जी मतलब एक छोड़ करके उसी तरह से यहाँ पे चेक करते हैं, ए के बाद बी छोड़ करके सी होना चाहिए, तो सी, ठीक है, तो ऑप्शन में किस किस में सी है इस दोनों में, तो इस दोनों को फिर आगे चेक करेंगे। फिर क्या हो रहा है कि एम के बाद के आ जा रहा है, इसका मतलब कि एम में से 2 घट जा रहा है, तो एम 13 होता है, तो 2 घट जा रहा है तो 11 हो जा रहा है। ठीक है, या आप डायरेक्ट इसका नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, नंबरिंग में जल्दी से पकड़ा जाता है, जैसे 5, 13, पी का 16, टी का 20 और वाई का हमारा 25। ठीक है, उसी तरह से इसको लिखेंगे जी को 7, के को 11, उसके बाद हमारा आर को 18 और आर फिर 18 और फिर ए 1 नंबर पर। देखिए 5 और इसमें प्लस 2 का, 13 के बाद 11 माइनस 2, फिर 16 के बाद प्लस 2, फिर इसमें देखिए 20 में माइनस 2, फिर 25 में भी हम 25 2 मतलब 25 के बाद जेड आ जाएगा 26 और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है 1, 2 मतलब ए बी सी डी, तो प्लस 2, तो देखिए तो क्या हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2, तो उसी तरह से इसका भी लिख लेते हैं नीचे वाले का, ए का 1, ठीक है, जी का 7, ई का 5, एन का हमारा 14 और टी का 20। तो पहले तो +2, तो +2 का मतलब 3, फिर -2 का मतलब 5, ठीक है, फिर +2 7, 14 के बाद प्लस हुआ तो फिर -2 तो 12 और फिर +2 तो 22। अब देखते हैं 3 पे कौन आता है, सी, फिर 5 पे ई, 7 पे जी, फिर अब ऐसा ही चेक कर लेंगे तो सी जी हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, और 12 पे एल और 20 पर 22 पे कौन आता है, वी, तो सी ई जी एल वी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ई जी एल वी, ठीक है, तो इसको करने के लिए डायरेक्ट जो भी नंबर मतलब अल्फ़ाबेट वाला सीरीज आता है या कुछ भी आता है राइमिंग मिलाने वाला आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका नंबरिंग कर लेते हैं, अपना पता चल जाता है कि क्या होने वाला उस सब में, और इसको क्या करते हैं कि माइनस को गुना डिनोट कर रहा है, माइनस के जगह पे गुना, ठीक है, अगर गुना को डिवाइड कहें तो ये क्या होगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है कि 18, ठीक है 18, फिर कह रहा है कि माइनस को अगर गुना समझे तो माइनस को माइनस के जगह पे गुना, फिर 2, फिर गुना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, गुना के जगह पे हम डिवाइड तो डिवाइड कर दिए, और फिर बोल रहा है कि 5 तो 5, फिर प्लस है तो प्लस के जगह पे क्या बोल रहा है, प्लस के जगह पर हम माइनस, तो प्लस के जगह पर हम माइनस कर दिए -7। अब इसको चेक करते हैं, 18 ये 2/5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 18, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 18 था
फिर माइनस माइनस के जगह पे क्या, माइनस को क्या लिख सकते हैं, गुना, तो गुना, फिर दो तो दो, फिर गुना के जगह पे हम डिवाइड लिख सकते हैं, तो गुना के जगह पे हम डिवाइड लिख सकते हैं, तो दो डिवाइड तीन, फिर डिवाइड के जगह पे हम प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस पाँच, और प्लस के जगह पर माइनस सात। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। तो अठारह अठारह इंटू इसको दो बटा तीन, दो बटा तीन, और पाँच में से दो जाएगा, पाँच में से सात जाएगा, माइनस दो। ठीक है, तीन छक अठारह, तो छः दूनी बारह, बारह में से दो गया दस, आंसर आ जाएगा इसका टेन आंसर। ठीक है, आगे चेक करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करना होता है कि किस दोनों का गुना भाग का कुछ भी करके हम ये लाना लाना होता है। ठीक है, तो देखिए बारह और पंद्रह सत्ताईस होता है, तो नौ तिरका इन दोनों का सम, नौ तिरका सत्ताईस। फिर देखिए तेरह और सत्रह तीस हो गया, तो दस तिरका तीस, इस दोनों का सम तीस आना चाहिए, इन दोनों का सम सत्ताईस आ रहा है। तो उसी तरह से इसको भी चेक करते हैं। देखिए इन दोनों का सम हमारा पैंतालीस आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डाला कि तीन गुना हो जाए, तो पंद्रह, पंद्रह गुना तीन, ठीक है, पंद्रह तीन पैंतालीस, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, पंद्रह तीन पैंतालीस। ठीक है, इसमें क्या करना है कि देखिए पचास पच्चीस और छः पचे तीस, इस दोनों का गुना। देखिए इसमें क्या करना होता है, हम कैसे पता चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि देखिए अगर बड़ा से बड़ा बड़ा मिल करके एक बड़ा सा, मतलब छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा सा नंबर बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा नंबर मिल करके बड़ा सा नंबर बन जा रहा है, छोटा छोटा मिल करके बड़ा सा नंबर बन रहा है, तो हम ऐसे रो रो वाइज चलते हैं। ठीक है, अगर ये उल्टा होता, अगर ऊपर ऊपर से बड़ा मतलब छोटा छोटा नंबर आ करके फिर बड़ा हो जाता, तो हम मतलब कॉलम वाइज चेक करते, लेकिन हम रो वाइज गुना भागा करके आंसर निकालते हैं अपना। तो ठीक है, तो देखिए हम पहले तो इसको ऐसे कैसे करते हैं, तो देखिए पचास पच्चीस और छः पचे तीस प्लस कर देते हैं, पचास पच्चीस और छः पचे तीस प्लस करते हैं, पचपन आ गया। देखिए यहाँ पर तीन तीन नौ और नौ तिरका सत्ताईस, तीन तिहाई नौ, तीन तिहाई नौ तिरका सत्ताईस, छत्तीस आ गया। उसी तरह से पाँचों का बीस और पंद्रह पैंतीस, पैंतीस हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सत्रह नंबर, सत्रह नंबर में ऐसे में क्या करते हैं कि ये ट्रेंगल अगर निकालना है उसमें, तो हम नंबरिंग कर देते हैं एक दो तीन चार, अब इस सब का सम कर देते हैं, उतना ही ट्रेंगल होता है इसके अंदर में। ठीक है, एक दो तीन, तीन तीन छः चार दस, तो ऊपर वाले में दस हो गया, उसी तरह से नीचे वाला भी है, तो इस नीचे वाले में दस हो जाएगा, तो दस ट्रेंगल तो ऊपर मतलब अलग अलग होगा, तो अगर दोनों के मिलने से कितना ट्रेंगल और फॉर्म होगा, अगर ऊपर वाला अगर सिंपल ऐसे होता, ठीक है सिंपल ऐसे होता, ठीक है, तो एक दो तीन चार ऐसे करके हम दस निकाल देते हैं, उसी तरह से नीचे है तो दस निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब फिर इस दोनों के मिलने से तो कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो इस दोनों के मिलने से देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो ये एक, फिर वैसे ही ऐसे दो, एक एक दो, फिर वैसे दोनों के मिलने से तीन, फिर ऐसे ही इधर से चार, तो चार एक्स्ट्रा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस दोनों के मिलने से, तो दस दस बीस और चार चौबीस ट्रायंगल, टोटल चौबीस ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें हम वेन डायग्राम से बनाते हैं क्वेश्चन को, पहले तो जो जो बोलता है वो बोल कर देते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है सम कैप्स आर फैन, सम कैप्स आर फैन, देखिए यही कैप्स है जो फैन है। ठीक है, सम कैप्स आर फैन, फिर बोल रहा है कि सम बोतल्स आर कैप, ये कैप है, ठीक है, तो सम बोतल कुछ बोतल कैप हो गए। ठीक है, देखिए इसमें जिसका रिलेशन हमें मतलब थोड़ा भी नहीं कुछ बोला हो उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं। देखिए आगे नो बोतल इज फैन, नो बोतल इज फैन सही है, कोई भी बोतल फैन नहीं है, क्योंकि बोतल और फैन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वन तो हमारा सही हो गया। फिर बोल रहा है कि सम फैन आर कैप, देखिए सम फैन आर कैप, देखिए यही है, ये है जो यही सम फैन जो है वो कैप है, तो टू भी सही हो गया, तो वन और टू दोनों सही हो गया, तो हमारा आंसर चला जाएगा बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे में क्या करते हैं कि इसका भी वीडियो बना करके डाल दिया गया, इसको भी बनाने का तरीका, इसको क्या करते हैं कि अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट चेक करते हैं, अल्टरनेट वाला जो होता है अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट में होता है। ठीक है, देखिए इसका अल्टरनेट में क्या, इसका जो है ऐसा वाला जो है
इसके अपोजिट में कौन होगा, इसके एक छोड़ करके, इसके एक छोड़ करके कौन है, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हो जाएगा इसके अपोजिट में, ठीक है। अब इसका देखिए, गुना का एक छोड़ करके ये सर्कल, तो गुना के अपोजिट में कौन हो जाएगा, सर्कल, ठीक है। फिर आगे तारा जो है मान लेते हैं ये इसको तारा, तो तारा के अपोजिट में कौन होगा, तारा को एक छोड़ करके ये है, तो एक स्क्वायर मतलब ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए अब पूछ रहा है कि कौन सा आकृति फॉर्म नहीं हो सकता, तो जो इधर वाला जो हो चाहे इधर वाला एक साथ अगर दिखाई दे, इसका मतलब कि वो फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखिए इसमें हमारा सी ऑप्शन में चेक कीजिए, तो देखिए ये दोनों अपोजिट में है, ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ ये आगे है, इसके अपोजिट में कोई चीज़ है, तो इधर अगर मान लेते हैं कि 6 है, तो ये तो छुप गया ना इधर, तो हमें तो छेद केवल दिखाई देगा हमको, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला मतलब अपोजिट में जो होता है ना, वो सामने से नहीं दिखाई देता, जो अगर ये दिखाई देता है, अगर ये गोला, तो ये नहीं दिखाई देगा, अगर ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तो अपोजिट में छुप जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें चेक करते हैं कि ये दोनों एक साथ किसी में तो नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा ही सब कुछ चेक करते हैं कि ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट में रहना चाहिए, आमने सामने दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो अगर जिसमें अपोजिट में मतलब ये आमने सामने दिखाई देगा, वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ये गुना और ये सर्कल वाला दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं दिखाई देना चाहिए, ये तो अपोजिट में होना चाहिए, मतलब ये तो छुपा हुआ होना चाहिए था, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा ही चेक करते हैं डायरेक्ट कि ये दोनों को एक बार चेक करते हैं कि दोनों कहीं एक साथ तो नहीं दे दिया, इन दोनों को चेक करते हैं एक साथ तो नहीं दे दिया, इन दोनों को चेक करते हैं एक साथ तो नहीं दे दिया, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा इसका। इसमें देखिए आपको नहीं पता होगा शायद, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो जान जाइए कि बैट को हम मैमल बोलते हैं, ठीक है, तो बैट को मैमल बोलते हैं, तो मैमल का दुनिया सबसे बड़ा, ठीक है, इसका भी वीडियो डाल दिया गया, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उसमें कराया गया, ठीक है। तो देखिए मैमल एक बड़ा सा दुनिया, उसी के अंदर काऊ भी है, काऊ भी एक मैमल है और बैट भी एक मैमल है, तो ऐसा पिक्चर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको देखिए, इसको पूरा करना होता है तो डायरेक्ट इसको करते हैं, ऐसा आकृति यहाँ पर है तो ऐसा ही आकृति यहाँ पर होना चाहिए, तो ऐसा आकृति करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे और यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे, तो ऐसा कौन किस में है, इसमें है, तो ये हमारा डी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें देखिए इसमें हमारा बी ऑप्शन, मतलब ऐसा चेक करना होता है कि किस में है, तो ऐसा हमारा एक बी में दिख रहा है, वैसे दिखने के लिए तो इस तीनों में दिख रहा है, ठीक है, तीनों में, या तो हमारा ऑप्शन मतलब इसमें तो थोड़ा सा मतलब एक साथ दे दिया है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वन इज विच एम्बेडेड, मतलब कौन सा इसके अंदर में हिडन है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये जाएगा, क्योंकि इसका जैसा यही दिख रहा है, एक बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 में क्या है कि हमारा यहाँ पे एक इसको मोड़ करके यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसको जब खोलेंगे वापस तो यहाँ पे भी एक कटा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे कटा हुआ है, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, तो ये तो बी और डी हमारा नहीं होगा, ठीक है, तो कटा हुआ इसमें भी है, इसमें भी है, तो ठीक है, तो सब में सेम है, इस दोनों में भी सेम है, लेकिन अब गोला वाला को चेक करते हैं, तो गोला वाला क्या होता है कि एक यहाँ पे है, तो इसको जब खोलेंगे तो एक यहाँ पे गोला हो जाएगा, फिर उसी तरह से ऊपर जब इसको जब पूरा खोला जाएगा तो वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब इसका देखिए, इसको जब मिरर इमेज जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो चीज़ मिरर की तरफ होता है उसको भी इधर मिरर की तरफ खोजते हैं। देखिए मिरर की तरफ ये है ऐसे, तो ऐसा ही मिरर की तरफ ऐसे होना चाहिए एक, ठीक है, वैसा किस किस में है, इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर मिरर से क्या है कि मिरर से नज़दीक में है ये रंगा हुआ सेट, तो उसी तरह से मिरर की से नज़दीक है होना चाहिए रंगा हुआ साइड, तो इसमें तो नहीं है क्योंकि मिरर की तरफ ये घुमा हुआ नहीं है, तो ये तो नहीं हो जाएगा हमारा, ये हो सकता है, और चेक कर लेते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए मिरर से नज़दीक है ये रंगा हुआ, तो इसी में केवल है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो खाली स्थान है, इसमें भी तो है ही नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है इसका।
अब देखिए 25 नंबर को चेक करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, जल्दी से नीचे से शुरू करते हैं। हमेशा हमारा या तो आंसर डी होता है नहीं तो सी होता है। ज़्यादातर अगर कभी भाग खराब हो रहा तो आपका आंसर ए या बी आता है, लेकिन हम ज़्यादातर नीचे से ही चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोल्ड को हम चेक करना है। ठीक है, तो कोल्ड को हम नीचे से चेक करना शुरू करते हैं, वो भी पीछे से। ठीक है, इधर से 9 और 7 नंबर पे डी है, तो डी है सही है। फिर चेक करते हैं 1 4 1 और 4 एल भी सही है। ठीक है, फिर 8 7 8 और 7 ओ भी सही है। फिर 2 1 2 और 1 सी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपको अगर रीजनिंग का अगर वीडियो चाहिए अगली बार, मतलब मैथ्स के साथ ही, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो ज़रूरत है। ठीक है, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप तब भी कमेंट कीजिएगा कि रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स ही केवल डालते रहें। तो हम तो मैथ्स तो हमेशा डालेंगे ही, लेकिन रीजनिंग भी मैं सोच रहा था कि डालता, लेकिन आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग मतलब कितना चाहते हैं इस वीडियो को डालवाना। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके लिए जब भी रविवार को वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने मतलब उसके सॉल्यूशन को चेक कर सकें। ठीक है, इसी के साथ बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।